साधको, कल 6 दिसंबर सायंकाल 5 बजे जो वीडियो अपलोड हुआ तपोस्थली से शिक्षाएं भाग एक चित्त का प्रवाह, उसे देखकर कुछ हमारे साधक गण भ्रम में आ गए। हमारे एक नज़दीक साधक ने मुझे आज सुबह फ़ोन करके पूछा, गुरु जी आप इतने श्रेष्ठ होकर के आप संसार में कैसे आ सकते हैं। इसी प्रकार रजत मिश्रा ने भी कुछ ऐसे ही कमेंट किया हुआ है। एक और साधक ने भी कमेंट किया हुआ है कर्मों की गति के विषय में, कि कर्म की गति यानी कर्म योगी को भी भोगने पड़ते हैं क्या। मैं आप सभी साधकों को जो ये भ्रम हो गया है ये भ्रम दूर कर दूं। आप मुझे जानते होंगे कि मैंने कौन सी अवस्था प्राप्त की है या मैं किस अवस्था में स्थित रहता हूं। जीवन मुक्त पुरुष का कभी पतन नहीं होता है, वो कभी संसार में लिप्त नहीं होता है। क्योंकि उसके चित्त में रितंभरा प्रज्ञा का प्राकट्य हो चुका है। रितंभरा प्रज्ञा के प्राकट्य जिसके चित्त पर हो जाता है उसके चित्त पर किसी प्रकार के संस्कार विद्यमान नहीं रहते हैं। रितंभरा प्रज्ञा अविद्या का विरोधी है, इसलिए अविद्या को जड़ से उखाड़ करके फेंक देती है। उसका चित्त ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित रहता है सदैव। जिसका चित्त ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो चुका है वहाँ अंधकार कैसे आ सकता है, उसमें मलिनता उखाड़ करके फेंक देती है। उसका चित्त ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित रहता है सदैव। जिसका चित्त ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो चुका है वहाँ अंधकार कैसे आ सकता है, उसमें मलिनता टिक भी कैसे सकती है। वो संसार में आकर के कुछ भी करे उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। अब आप कहेंगे कि मैं ये कह रहा हूँ कि उस पर मलिनता टिक नहीं सकती है, तो फिर आपने वीडियो क्यों डाला कि मैं संसार में बहिर्मुख हो चुका हूँ और उससे जो हमें मलिनता प्राप्त हुई उस मलिनता को दूर करने के लिए मैं कुटिया में आ गया हूँ और अपने स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास कर रहा हूँ। Thanks for watching. Remember to like, comment, and subscribe.